मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे, और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों, कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले, तो वो खरीद सकता है। मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं, और कुछ लोगों की तो दवाइयां ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे, उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूँ कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है, और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलके कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है, मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे, मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।